टेन का मॉडल है, इसमें जो है ना ये मैनहोल है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये एयर स्पेस है और ये लिक्विड स्पेस है। अब जो एयर स्पेस है वो 1 फीट होती है और लिक्विड स्पेस जो है वो 4 फीट होती है। इसमें जितने भी मटेरियल यहाँ से आएगा वो नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसको स्लज बोलेंगे और जो ऊपर होगा उसको स्कम बोलेंगे। और यहाँ पे जो है वो एनारोबिक डाइजेशन होती है, जब यहाँ से बाहर जाएगा उसको एफिएंट बोलेंगे, उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी और एरोबिक डाइजेशन होगी। एरोबिक डाइजेशन में फिर जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रेट्स होंगे और वाटर होगा।